हेलो फ्रेंड्स, आज ऋतु गोयल किचन में बनाएंगे हम मिर्च का अचार। राजस्थान की मिर्च बहुत अच्छी होती है और अभी परफेक्ट सीजन है मिर्च का अचार बनाने का। बहुत अच्छी मिर्च आती है इस समय। देखिए, ऐसी लंबी लंबी हमें मिर्च लेनी है और इसका अचार बनाएंगे आज। और पूरा आपका साल भर टिकेगा, ये खराब नहीं होता है। मेरी तरीके से बनाइए तो बहुत टेस्टी अचार बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मिर्च का अचार बनाते हैं। सबसे पहली चीज हमको जो ध्यान में रखनी है अचार बनाने के लिए, चाहे आप कोई भी अचार बनाइए, कि आपको मसाले मेजर करके ही लेने हैं। मेजरमेंट से आप मसाले लेंगे तो आपका अचार कभी खराब भी नहीं होगा, कभी टेस्ट में भी चेंज नहीं आएगा, बहुत अच्छा अचार बनेगा। इसलिए मैंने आज मेरे इन्ग्रीडियंट्स के साथ मेजरिंग स्केल भी रखा है, क्योंकि मैं बिना मेजर किए नहीं लेती हूँ मसाले। और मिर्च का अचार बना रहे हैं तो ये ऐसी हमको लंबी लंबी मिर्च लेनी है। बहुत मोटी वाली जो मिर्चें होती है वो भी नहीं लेनी हमें, और बहुत पतली वाली भी नहीं लेनी हमें। ऐसी मिर्च लेनी है, इसका अचार बहुत अच्छा डलता है, खराब भी नहीं होता। इनको मैंने धो के और सुखा दिया था, बिल्कुल पानी का अंश नहीं होना चाहिए। अब आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा अचार कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं इनको कट करके ही मिर्च का अचार डालूंगी। ये मिर्च को मैं चॉपिंग बोर्ड पे काट लूंगी, हाथ से मत काटिएगा। मिर्च में थोड़ा तीखापन होता है तो आपके हाथ में जलन हो जाएगी। और बहुत बारीक भी नहीं काटना है, जैसे मैं थोड़ा मोटा मोटा काट रही हूँ वैसे ही काटना है। तो ये खाने में बहुत कन्वीनियंट हो जाती है मिर्च। ये देखिए, ऐसे में सारी मिर्च काट काट के पहले इसमें इकट्ठी कर लूंगी। देखिए, मैंने मिर्च सारी कट कर ली है, ऐसे कट करनी है हमको। ये मैंने 1 kg हरी मिर्च ली है, तो 1 kg के हिसाब से मैं आपको सारा मेजरमेंट बताऊंगी और अचार बनाऊंगी। ये नमक लिया है मैंने 150 ग्राम। 150 ग्राम आप कोई भी वेइंग स्केल ले लीजिए, कटोरी रख लीजिए और डाल के 150 ग्राम उसमें चेक कर सकते हैं। ये मैं सेंधा नमक ही यूज़ में लेती हूँ, इसलिए सेंधा नमक लिया, लेकिन आप नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकती, कोई दिक्कत नहीं है। 150 ग्राम नमक लेना हमें। और ये राई है, राई हमें 100 ग्राम लेनी है, 1 किलो में 100 ग्राम लेनी है। और 80 ग्राम हमें सौंफ लेनी है। और जो नींबू का रस है, ये 200 ग्राम नींबू आप ले आइए अलग से, उसका रस निकाल लीजिए, ये उसका रस है, नींबू का रस। और 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1.5 चम्मच अमचूर, 1.5 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी। ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, लेकिन इसी क्वांटिटी में आपको लेना है। अब मैंने ये सब निकाल लिया है, लेकिन मुझे राई और सौंफ इसको थोड़ा दरदरा पीसना है, तो अब मैं इसको मिक्सर में थोड़ा दरदरा पीस लूँगी। देखिए, राई पिस के ऐसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारीक वाली राई मैंने नहीं ली थी, तो पिस के ये थोड़ी पीली और थोड़ी ऐसी दिखेगी, तो हमें ऐसी ही राई लेनी है। ये देखिए, सौंफ पीस लिए मैंने, ऐसे दरदरी ही सौंफ पीसनी है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये देखिए, सरसों का तेल लेना है हमें, ये मैंने मेजर कर लिया 1/4 कप। ये मैं कढ़ाई में डालूंगी, इसको हमें एक बार तेज गर्म करके फिर ठंडा करना है। गैस को मैं तेज कर दूंगी, गरम हो जाएगा तेल, उसके बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी तेज गरम होने के बाद। देखिए, तेल एकदम गरम हो चुका, मैं गैस को बंद कर रही हूँ और 2 मिनट इसको थोड़ा सा हमें ठंडे होने देना है। एकदम तेज में अपन कुछ भी मसाले डालेंगे तो वो जल जाएंगे। और तेल की एक बार झाल निकालने के हमें इसको तेज गरम करना जरूरी है। देखिए, अब थोड़ा ठंडा हो गया है तेल, अब मैं इसमें हींग डालूंगी और मेथी, कलौंजी, अब इसमें मैं राई का पाउडर डालूंगी, राई का पाउडर डालूंगी।
नमक डालेंगे, सौंफ पाउडर, लाल मिर्च, अमचूर और हल्दी, इनको सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नींबू अभी हम नहीं डालेंगे, नींबू मिर्च डालेंगे पहले, उसके बाद नींबू डालेंगे। देखिए मैंने सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और आप देख रहे होंगे कि तेल एकदम एब्जॉर्ब कर लिया मसालों ने। मुझे इससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है और ख़राब भी नहीं होगी मिर्च, क्योंकि हमने नमक अच्छे से डाला है। नमक कम मत डालिएगा क्योंकि नमक से ही ये टिकती है लंबे समय तक। अब मैं हरी मिर्च सारी डाल दूँगी इसमें और इसको एक बार मिक्स करेंगे पहले। अभी नींबू का रस डालूंगी, 200 ग्राम नींबू मैंने लिए हैं, उनका रस निकाल के अब ये डलेगा इसमें। नींबू भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और देखिए अब मसाला थोड़ा गीला भी हो गया है। अब आपको ये एक दिन तक ढक के कढ़ाई में ही मिर्च को छोड़ना है, तो इसमें थोड़ा देखिएगा आप कल तक पानी भी आ जाएगा मिर्च का और सब मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और आप चाहें तो भारी रख लीजिए, लेकिन अगर आपको कड़क कड़क मिर्चें खानी है हमेशा, आपको सॉफ्ट हुई भी पसंद नहीं है, तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। लेकिन फ्रिज में हम रखेंगे 4 से 5 दिन के बाद, जब तक राई की खटाई नहीं आ जाए तब तक फ्रिज में नहीं रखना है। राई की खटाई आने के बाद आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं, ये कड़क ही रहेगी। तो आज हमने मिर्च का अचार बनाया है, आप जरूर बनाइएगा और उसको एक दिन कढ़ाई में ढक के रखिएगा, तब नेक्स्ट डे वो मसाले मिक्स होते हैं, फिर आप कोई भी कांच की बर्नी में उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं और फ्रेश फ्रेश खाइए। 3-4 दिन लगते हैं उसको तैयार होने में, तो बना के बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा मिर्च का अचार। अब जल्दी से एक दादी माँ की टिप हो जाए, आंवले बहुत अच्छे आ रहे हैं, आंवले ज़रूर खाने चाहिए। आंवलों को आप कस के धूप में सुखा लीजिए, तो उसको आप खाना खाने के बाद सूखे हुए आंवले को खाइए थोड़ा सा, तो उससे आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाएगी, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा और आंखों की रोशनी पे भी फर्क पड़ता है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो आंवला अपने डाइट में इंक्लूड करिए, डेली आंवले को किसी भी फॉर्म में आपको खाना है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर करने के लिए। थैंक यू।